कभी मथुरा की जन्माष्टमी देखी है क्या? नहीं देखी तो चलो दिखाते हैं फिर आपको। हेलो जी, तो आज जन्माष्टमी है, तो पहले तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और अभी शाम का टाइम है, मैं उमेश के साथ हूँ, उमेश भाई। और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं एक सेकंड, कहाँ जा रहे हैं भाई? तो तुझे पता होगी ना कहाँ जा रहे हैं। तू बोल भाई, बस तू बोल भाई, जहाँ तू कहेगा वहीं चलेंगे। लेकिन ये तो तूने बताया था कि कहीं चल रहे हैं। मतलब हम कहीं तो जा रहे हैं, अभी पता नहीं है हमें, लेकिन हम कहीं जा रहे हैं तो पहुँच के बता देंगे भाई। हाँ देखो यार, वैसे मैं आपको बताऊँ, मेन जो मथुरा में मंदिर है वो कृष्ण जी के, तो एक तो द्वारकाधीश और जन्मभूमि, ये दो ही हैं। तो हम पहले गए विश्राम घाट। हेलो जी, तो विश्राम घाट जा रहे थे, बट नो, विश्राम घाट से पहले भी बहुत सारे घाट पड़ते हैं, तो हम एक घाट पे हैं, तो यहाँ के सीन से एक बार आप चेक करें। देखो ऐसा है कि यहाँ तक तो सीढ़ियाँ रहती हैं, ये जो पिलर है इसके नीचे तक, और बट यहाँ तक यहाँ से शुरू है। और भीड़ देखो एक बार, मतलब जानते नहीं गार्ड को, फिर भी यहाँ पे भीड़ देखो एक बार। तो ऐसे ये कुल भाई, तो देखो अपने को वैसे यहाँ पे आना नहीं था, बट ऐसा व्यू ज़्यादा अच्छा आ रहा था तो हम रुक गए। तो अब हम जा रहे हैं विश्राम घाट से। तो भाई अब हम पहुँच गए विश्राम घाट पे। राम में घूमने की यही खासियत है, तुम घूमने निकलोगे मंदिर पहुँच जाओगे। ये भी है। और एक चीज़ और है कि मतलब विश्राम घाट पे आने के भी दो रास्ते हैं, ये सीक्रेट रास्ता है जहाँ से हम आए भाई। यहाँ पे चल रही है भाई शूटिंग, ये किसके लिए आए भाई? ये हमारा इंटरव्यू लेना है। नहीं कह रहा है इस समय भाई, डूब के मरोगे, डूब। बहुत ज़्यादा है जन्माष्टमी ना, इसलिए बट आज का मौसम भी मस्त पता है क्या, सुबह तक तो बहुत धूप थी, मतलब 4:30 बजे तक भाई मुझसे कह रहा है कि ऐसा आया था भाई मेरे घर पे हो रही थी धूप, मैं कह रहा नहीं भाई इस टाइम पर नहीं। और फिर हम निकले तो इसके यहाँ पर भाई बिल्कुल धूप नहीं, फिर हम घूम लिया। तो भाई ऐसे ही अभी जाने का ना एक घाटा है, मैं एक मिनट बताता हूँ, पहले बंदर है यहाँ पर। तो भाई ऐसी जगह पे आने का, मतलब इस टाइम पे आने का एक घाटा तो है कि भाई दूसरों के फोटो वीडियोस में आ रहे हैं यार, अपने को आना नहीं है भाई, अपने को सिर्फ अपने ब्लॉग प्रीमियम कॉन्टेंट। विश्राम घाट से हम सीधा गए द्वारकाधीश, क्योंकि ये आस पास ही है, 100 मीटर की दूरी में ही है। और भाई इस टाइम हम जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर, और शायद पट बंद है बट फिर भी। मेरे को पता थी वैसे तो कि पट बंद होंगे, बट ऐसा होता है ना कि 6 बजे खुल जाते हैं, मेरे को लगा पट तो नहीं खुलेंगे, बट हाँ मंदिर के गेट तो खुल जाएंगे, बट वो भी बंद है। और एक हमने अंकल से पूछी तो वो कह रहे थे 7:30 बजे खुलेंगे, और अब बारिश आ रही है यार गड़ाना। तो भाई द्वारकाधीश महाराज पर गए थे, बट पट जो थे वो बंद थे, और पट खुलेंगे 7:30 बजे। अब भाई इतना तो इससे अच्छा तो भाई हम जन्मभूमि घूमें, देन हम वहाँ से निकले तभी बारिश आ गई, और अभी बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं। अभी हम विश्राम घाट पे दोबारा से आ गए, मतलब यहाँ पे छतवार वहाँ पे कुछ था नहीं इसलिए, तो अभी तो यहीं है, और अभी शायद बारिश रुक भी गई है, तो अभी चलते हैं यहाँ से जन्मभूमि। बारिश के बाद भाई बिल्कुल मौसम खुल चुका है, देखो तो अब जा रहे हैं जन्मभूमि पे। जन्मभूमि आए थे बट किसी नगर तो आए थे भीड़ देखो, और उससे पहले सत्यम भैया ये भैया आते हैं सिर्फ सैटरडे और संडे को भाई पढ़ने वाले बालक हैं। अभी हम वैसे कृष्णनगर से आ रहे थे, देखो भीड़ दिखाता हूँ, वहाँ से शुरू होके और सर ये जा रही है आपकी यहाँ। मूवी तो पहुँच चुके हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से,
मैं दिखाता हूँ भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, ज़रा ज़रा सा भी चलने में भाई लोग रो रहे थे कि नहीं नहीं भाई हम नहीं जाने, फटम आए आपके लिए भाई। खत्म भी है भाई, रिकॉर्ड कर रहे हैं एक एक, एक चीज भाई रिकॉर्ड। भाई अब हम पहुंच गए हैं प्रॉपर गेट पर, खाना उठाना भाई सीन से ऐसा है कि यहाँ पे पहले फोन करना पड़ता है, बट शायद आपको पीछे की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी इस टाइम पर, तो यहाँ से पहले निकलते हैं उसके बाद बात करते हैं। इस बार ये चीज़ अच्छी थी कि जगह जगह राधा कृष्ण जी की झांकियाँ, डांस, भंडारे, कई सारी चीज़ें थी, और इस बार कुछ ज़्यादा अच्छी सजी भी थी मतलब हमारा मथुरा। तो बस यही कुछ था आज की वीडियो में, होप यू लाइक इट, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ।